भगवान ने सबका जीवन निश्चित किया, चींटी का, मक्खी का, मच्छर का और मनुष्य का, हाथी का, घोड़े का, ईश्वर के बनाए हुए ये सब है, तो ईश्वर ने सबकी उम्र निश्चित कर रखी है। तो उम्र पूरी होने पे कोई मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन बीमारी से कोई नहीं मरना चाहिए पूरे देश में। ये हमारे अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए आप बोलेंगे क्या करें, तो एक तो काम ये करो कि सवेरे यहाँ आ जाओ। आज कल से यहाँ योग कक्षा शुरू हुई है, आज भी हुई है, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी। चार दिन में कुछ सीख लो योग और प्राणायाम, और जो कुछ कम सीख पाए तो सवेरे 5 बजे आस्था चैनल खोल लो, स्वामी रामदेव जी मुफ्त में सबको सिखाते हैं 5 बजे से 7:30 बजे तक, वो रोज सिखाते, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं। तो टीवी चैनल खोल के देख लो और ये सीख के करना शुरू कर दो, बीमारियां आपकी ठीक होती चली जाएंगी। दूसरा मेरा निवेदन है कि आप जब योग और प्राणायाम करेंगे और बीमारियों को ठीक करेंगे तो ये एक रास्ता तो है, दूसरा इससे भी बड़ी बात है वो ये कि योग और प्राणायाम अगर आप करने लगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। एक बात तो ये है कि आपकी अभी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, दूसरी बात इससे भी बड़ी है कि आपने नियमित योग प्राणायाम करना शुरू कर दिया तो भविष्य में कोई बीमारी आएगी ही नहीं आपको, ये उससे भी बड़ी बात है। तो हमेशा हम निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, भविष्य में कोई बीमारी ना आए, इस दृष्टि से एक तो योग प्राणायाम करना और दूसरा छोटे छोटे कुछ नियम का पालन आप करने लगो जिंदगी में तो बीमारियां आपके जिंदगी से कोसों दूर रहेंगी। हमारे भारत में एक महान व्यक्ति हुए महर्षि चरक, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन भी बीमार नहीं पड़े। उन्हीं के समकक्ष एक महान महर्षि हुए महर्षि सुश्रुत, उनके बारे में कहा जाता वो कभी बीमार नहीं पड़े। एक इनके बाद महान व्यक्ति हुए महर्षि भागवत, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी बीमार नहीं पड़े। ऐसा मैंने पढ़ा अपने शास्त्रों में कि आज से थोड़े साल पहले तक कई महान महर्षि ऋषि ऐसे हुए जो बीमार ही नहीं पड़े, ये कैसे संभव है? तो मैंने उनके जीवन को पढ़ा तो पता चला कि वो अपने जीवन में नियमित योग प्राणायाम करते थे, साधना करते थे और कुछ खाने पीने के नियमों का पालन करते थे। खाने पीने के नियमों का पालन अगर हर व्यक्ति करने लगे और योग प्राणायाम नियमित रूप से करने लगे तो आज भी गारंटी है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अब महर्षि भागवत, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत तो भूतकाल हो गए, मैं तो वर्तमान का उदाहरण दे रहा हूँ जो आपकी आंखों के सामने है। हमारे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हैं, सालों साल से बीमार नहीं पड़े। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, अखबार वाले बहुत जगह मुझे मिलते हैं, पत्रकार वो मुझे मजाक करते रहते हैं, वो कहते हैं राजीव भाई हमको एक खबर की बहुत दिनों से प्रतीक्षा है। मैं बोला क्या खबर चाहिए आपको? बाबा कब बीमार पड़ा ये खबर चाहिए। मैं पूछा क्यों चाहिए? कहते हैं पहले पन्ने पे छापेंगे अखबार। क्या देखो इनकी बुद्धि है पत्रकार कि बाबा कब बीमार पड़ा इसको पहले पन्ने पे छापना चाहते। भाई तुमको क्या मिलने वाला है? कहते मजा आएगा और सबको कहेंगे कि देखो बाबा खुद बीमार है और दूसरों का इलाज करता फिरता। तो मैंने उन सभी पत्रकारों को ये कहना शुरू किया है कि इस खबर का तुम इंतजार करते रहो, कभी मिलेगी नहीं ये खबर। कहने लगे क्यों? मैंने कहा बाबा बीमार पड़ ही नहीं सकता। कारण क्या है? कारण वही है जो महर्षि भागवत, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत किया करते थे, वही परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी करते हैं। प्रतिदिन योग प्राणायाम और साधना करना और खाने पीने के नियमों का पालन करना। तो कहा गया है कि जो खाने पीने के नियम ध्यान रखे और साधना करे योग की तो बीमारी ना पड़े। तो मैं आपसे वो नियम भी कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों को विशेष रूप से वो बताना चाहता हूँ ताकि बच्चों को वो संस्कार में ये नियम बता सके। और ये जो बहने बैठी हैं इनको भी ध्यान से सुनना है ये सब नियम। योग प्राणायाम तो सवेरे सीख लेना, कल आ जाना, ये आनंद भाई यहाँ पे हैं ये सिखाएंगे, कल भी सिखाएंगे, परसों भी सिखाएंगे, 2 दिन में आ जाएगा। और योग प्राणायाम बड़ी सरल विद्या है, 2-2.5 घंटे में कोई भी सीख सकता। नियम मैं बताते चला जा रहा हूँ, कल से, आज से और अभी से अपने जीवन में कुछ नियम का पालन आप करो तो बहुत
विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, आप भी परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी की तरह से निरोगी रहोगे, कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो आप बोलोगे कौन से नियम है, कुछ चार पांच नियम बताता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा नियम याद नहीं रहेंगे, और चार पांच नियम भी आपको याद हो गए तो बहुत काम के। पहला नियम जिंदगी भर के लिए इसको पालन करना, सारे विद्यार्थी इसको ध्यान से सुने, उनके माता पिता भी सुने, जिंदगी भर निरोगी रहना है तो आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में ये कहा गया कि वात पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखो तो बीमार नहीं पड़ोगे। तीन तरह से बीमारी आती है आयुर्वेद में कहा गया, वात खराब हो जाए, पित्त खराब हो जाए और कफ, कफ बिगड़े, वात बिगड़े और पित्त बिगड़े, तीन तरह से बीमारी आती है। मैंने थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला वात जब बिगड़ता है तो सबसे ज्यादा बीमारी आती है, सबसे ज्यादा, और उन बीमारियों की संख्या है करीब 86, 80 और 86 बीमारियां आती हैं जब वात बिगड़ता है। ये घुटनों का दर्द, ये कमर का दर्द, ये कंधे का दर्द, ये जोड़ों का दर्द, ये सब वात के बिगड़ने की बीमारी है। हर अटैक आता ना, ये भी वात के बिगड़ने की बीमारी है। ब्रेन हेमरेज हो जाए, वात के बिगड़ने की बीमारी है। पैरालिसिस हो जाए, वात के बिगड़ने की बीमारी। तो वात बिगड़े तो सबसे ज्यादा तकलीफ करता है, फिर पित्त बिगड़े तो 40 बीमारियां करता है, और कफ बिगड़े तो करीब 20 बीमारियां करता है। कुल मिला के 148 बीमारियां होती हैं वात पित्त कफ के बिगड़ने से। तो आप जीवन भर इस बात को याद रखो कि आपका वात, आपका पित्त, आपका कफ ना बिगड़े। नियमित योग और प्राणायाम करना वो तो एक काम है, नियम भी ध्यान रखना है। तो आप बोलेंगे क्या करें उसके लिए, वात पित्त कफ कभी नहीं बिगड़ेगा आपका अगर आप एक काम करो, खाना खाने के बाद कभी भी पानी मत पियो, ये नियम है। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में लिखा गया है भोजनांते विषमवाणी, माने भोजन के अंत में पानी पी लिया तो समझ लो जहर पी लिया, इतना खराब कहा गया है। ये कहा गया भोजन के बाद में जो पानी पीते हैं उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। अब आपको ये तो बड़ी मुश्किल होगी, हम तो खाने के बाद पानी पे पानी पीते हैं, लोटे पे लोटा घटकते, और कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, और आयुर्वेद कहता है कि खाने के बाद पानी पियो ही मत, ये चक्कर क्या है? ये चक्कर को मैं सरल भाषा में समझाता हूँ आपको, ये चक्कर क्या है? चक्कर ऐसा है कि जब आप खाना खाते हो, खाना पेट में इकट्ठा होता है, पेट में एक छोटा सा स्थान होता है उसको कहते हैं जठर, अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम, ये नाभि होती है ना, नाभि के बगल में बाएं हाथ पर एक छोटी सी थैली होती है उसको कहते हैं जठर, उसी को कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। एमबीबीएस वाला कोई होगा तो एपिगैस्ट्रियम कहेगा, डीएमएस वाला होगा तो जठर कहेगा। ये जठर या एपिगैस्ट्रियम एक थैली होती है, इसमें सारा खाना इकट्ठा होता है। आपने रोटी खाई, आपने दाल खाई, आपने चावल खाया, आपने दही पिया, आपने दूध पिया, जो भी किया वो सब उस एपिगैस्ट्रियम माने जठर में आता है। अब जब ये सारा खाना जठर में इकट्ठा होता है तो इस खाने के पचने की क्रिया शुरू होती है, और खाने को पचाने के लिए उसमें अग्नि जलती है, आग। जैसे रसोई घर में होता है ना, हम गैस को जलाते हैं तो आग जलती है, उसके ऊपर हम कुछ भी पका सकते हैं। अगर गैस जले तो दूध रख दो, दूध में चावल डाल दो, खीर पक जाएगी, लेकिन अगर गैस नहीं है तो कुछ नहीं पकेगा। ऐसे ही पेट में होता है, एपिगैस्ट्रियम माने जठर में सारा खाना आया, खाने के पचने के लिए आग की जरूरत होती है, अग्नि, उसी को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के कहते हैं जठर अग्नि। तो हम खाना खाते हैं, अग्नि जल जाती है, फिर खाने का पचना शुरू होता है। अब मुझे आप ये बताओ कि हमने खाना खाया, अग्नि जलना शुरू हो गई, खाना पचना शुरू हो गया, तभी हमने घटक घटक पानी पी लिया, क्या होगा? अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अब अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो फिर खाना सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा रोग उत्पन्न करेगा।
इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि खाने को पचने के लिए अग्नि को जलने दो और अग्नि को जलने देने के लिए पानी मत डालो उसके ऊपर, इसलिए खाने के बाद पानी मत पियो। समझ में आया? अब ये जो खाना है ये जब पचता है शरीर में तो पचा हुआ खाना रस में बदलता है और उस रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र बनता है। मल और मूत्र शरीर के काम का नहीं है, शरीर उसको छोड़ देता है, लेकिन मांस मज्जा रक्त वीर जो काम की चीजें हैं शरीर उसको धारण कर लेगा। तो खाना पचेगा तो मांस बनेगा, रक्त बनेगा, वीर बनेगा, ताकत आएगी, और खाना सड़ेगा तो जहर बनेगा, जहर बनेगा तो बीमारियां करेगा, और रक्त बनेगा तो शरीर को ताकत देगा। अब क्या करना है, खाने को पचा के जहर रक्त बनाना या सड़ा के जहर बनाना, पचा के रक्त में बदलना? तो समझ में आया? और खाना पचने के लिए अग्नि, अग्नि के लिए पानी नहीं डाल सकते उसके ऊपर, क्योंकि अग्नि पे उसका गूदा निकालो, उसको मैश करो, फिर पानी मिलाओगे ना तभी तो रस बनेगा। तो कोई भी रस बनाने के लिए पानी मिलाना पड़ता है, तो पेट में भी खाना पचकर रस बनेगा तो रस में पानी मिलाना पड़ेगा। तो खाना पचने के बाद जब रस बने तब पानी पियो। आप बोलोगे ये कितनी देर में होता है? ये लगभग 1 से 1.5 घंटे में होता है। हमने 10 बजे खाना खा लिया तो 11 बजे के आसपास रस बनना शुरू हो जाता और 11:30 बजे तक वो बनता रहता। तो 11 से 11:30 के बीच पानी पियो, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना। समझ में आ गया? फिर आप बोलोगे खाना खाते ही प्यास लगे तो क्या पीना? कई लोग कहते हैं कि मुंह सूखता है, गला सूखता है, प्यास लगती है तो क्या पीना? तो आयुर्वेद ने ये कहा कि खाना खाते ही अगर प्यास लग रही है तो 3 चीजें पीना, पानी छोड़कर, पानी तो नहीं पीना, 3 चीजें पीना। वो तो क्या पी सकते हैं? एक तो पीना दूध, दूसरा पीना मट्ठा, मट्ठा माने लस्सी, छाछ कहते हैं, हाँ, तो दूसरी पीनी छाछ, और तीसरा पीना कोई भी फल का रस। खाने के तुरंत बाद अगर प्यास लगे तो या तो दूध पियो, या तो छाछ पियो, या तो फल का रस पियो, पानी मत पियो। पानी पीना है 1 से 1.5 घंटे के बाद। अब आप ये ध्यान से याद रखो कि सवेरे का खाना अगर खाया हो तो हमेशा फलों का रस पियो खाने के बाद, दोपहर का खाना खाया हो तो हमेशा छाछ पियो खाना खाने के बाद, और रात का खाना खाया हो तो हमेशा दूध पियो खाने के बाद। सवेरे पीना है फलों का रस, दोपहर को पीनी है छाछ, और रात को पीना है दूध। अब आप पूछोगे ये क्यों? क्या दूध सवेरे नहीं पी सकते? क्या छाछ रात में नहीं पी सकते? क्या फलों का रस कभी नहीं पी सकते? आयुर्वेद में ये कहा गया कि कोई भी चीज मन मर्जी से कभी भी खा पी नहीं सकते, उसके तरीके हैं, नियम। छाछ पीनी है तो दोपहर को ही पीना, दूध पीना है तो रात को ही पीना, और जूस पीना है तो सवेरे। कारण उसका ये है कि हमारे पेट में कोई भी चीज खाए या पिए उसको पचाने के लिए खास तरह के पाचक रस की जरूरत पड़ती है, जिसको MBBS वाले कहते हैं एंजाइम्स, और हम संस्कृत वाले कहते हैं पाचक रस। एंजाइम्स माने पाचक रस। अगर दूध पीना है दूध को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए, दही खाना है दही को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए, जूस पीना है जूस को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए। तो जूस को पचाने वाला जो पाचक रस है वो पेट में सवेरे सवेरे ही बनता है, इसलिए आयुर्वेद कहता है कि सुबह जूस पियो। दही और छाछ को पचाने वाला पाचक रस दोपहर को बनता है, इसलिए आयुर्वेद कहता है कि लस्सी या छाछ दोपहर को पियो, और दूध को पचाने वाला पाचक रस शाम को बनता है, इसलिए कहा गया है दूध शाम को पियो। तो सवेरे का खाना खाने के बाद जूस पियो, दोपहर का खाने के बाद लस्सी छाछ, और रात का खाने के बाद दूध पियो। समझ गए? अब आप ये कहोगे जूस तो बड़ा महंगा है, कहाँ से लाएं इतना पैसा? तो सबसे सस्ता जूस है नींबू की शिकंजी बनाते, नींबू ले लो
पानी में घोल लो, थोड़ी उसमें गुड़ मिला लो और थोड़ा नमक डाल लो, शिकंजी तैयार हो गई। सुबह के खाने के बाद तुरंत आप शिकंजी पी सकते हो, दोपहर के खाने के बाद छाछ पी सकते हो, रात को दूध पी सकते हो, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल, आपके मन में ये आ सकता है कि खाने के पहले पानी पिए क्या? तो आयुर्वेद कहता है खाने के पहले पेट भर के पानी पियो, लेकिन 48 मिनट पहले पियो। खाना अगर 10 बजे खाना है तो 9:12 से पेट भर के पानी पी सकते हो खाने के पहले। खाने के बाद कब पीना है? कम से कम 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। पहले पीना है तो 48 मिनट में पता है क्या होता है, जितना पानी आप पिएंगे वो सब पच लेता है, पेट खाली रहता है 48 मिनट। पानी को कहाँ कहाँ जाना है शरीर में 48 मिनट में सब जगह चला जाता है, इसलिए खाने के पहले पानी 48 मिनट से पिए। अब आपके मन में और एक प्रश्न आ सकता है कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, लेकिन मैंने ही कहा कि खाने के तुरंत बाद जूस पी लेना, तो जूस में तो पानी है। खाने के पहले पानी पी सकते हैं, खाने के बाद नहीं पीना, लेकिन मैंने कहा कि लस्सी पी लेना, छाछ पी लेना, छाछ में तो पानी ही पानी है, दही तो थोड़ा ही होता है। और दूध पीने का बोला, दूध में तो 97% 96% पानी होता है, 4% ही फैट होता है, ये चक्कर क्या? एक तरफ आयुर्वेद कह रहा पानी मत पियो, दूसरी तरफ आयुर्वेद कह रहा जूस पी लो, लस्सी पी लो, दूध पी लो, ये समस्या क्या है? ये समस्या सीधी सी है, वो ये कि पानी जो अकेला होता है ना वो खतरनाक है। पानी जब किसी चीज में मिल जाता है तो बिल्कुल खतरनाक नहीं रहता, पानी का अपना गुण है। पानी के बारे में एक गाना लिखा गया इस देश में, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर जिसमें मिला उस जैसा। तो पानी को दही में मिला दो तो पानी दही जैसा हो जाता है, पानी को दूध में मिला दो तो दूध हो जाता है, पानी को जूस में मिला दो तो जूस जैसा हो जाता है। तो खाने के बाद अकेले पानी नहीं पीना है, जूस वाला पानी पी सकते, समझ गए। अकेला पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद। ये एक बात कितने लोगों को समझ में आ गई, जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, सबको समझ में आ गई। बस पानी का अपना गुण है। पानी के बारे में एक गाना लिखा गया इस देश में, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर जिसमें मिला उस जैसा। तो पानी को दही में मिला दो तो पानी दही जैसा हो जाता है, पानी को दूध में मिला दो तो दूध हो जाता है, पानी को जूस में मिला दो तो जूस जैसा हो जाता है। तो खाने के बाद अकेले पानी नहीं पीना है, जूस वाला पानी पी सकते, समझ गए। अकेला पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद। ये एक बात कितने लोगों को समझ में आ गई, जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, सबको समझ में आ गई। बस परम पूजनीय स्वामी जी इस नियम का पालन बताते हैं कि वो 15-16 वर्ष के थे तब से कर रहे हैं, और यही उनके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा राज है। अभी तक बीमार नहीं हुए, कारण उसका एक ही है कि खाने के 1-1.5 घंटे बाद ही पानी पीते हैं। अब आप भी काज से ये नियम चालू करो। मैं भी इस नियम का पालन करता हूँ 18 साल से, और 18 साल से मैं बीमार नहीं पड़ा। हाँ, पिछले 18 साल में मैंने 3,00,000 किलोमीटर का प्रवास किया पूरे देश में। अगर आप भारत की परिक्रमा करो तो 3 बार कर ली मैंने। हाँ, और ये परिक्रमा की है, हवाई जहाज से की है, रेल से की है, कार से की है, पैदल भी की है, साइकिल से भी की है, मोटरसाइकिल से भी की है, बैलगाड़ी से भी की है, खच्चर पे भी की है, गधे पे भी बैठ के की है, घोड़े पे भी बैठ के की है, ऊंट पे भी बैठा हूँ। एक बार जैसलमेर गया था ऊंट पे यात्रा की, तो सब तरह से यात्रा की है। और आपको हैरानी होगी, 18 साल की इस यात्रा में एक दिन भी मेरे पीठ में दर्द नहीं हुआ, पाँव में दर्द नहीं हुआ, पेट में दर्द नहीं हुआ, बीमार नहीं पड़ा, हॉस्पिटल नहीं गया कभी। कारण उसका एक ही है, इस नियम का पालन मैं भी करता हूँ, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीता हूँ। आप भी करोगे तो बीमारी खत्म, पक्का। अच्छा, अब ये सबको बताना है,
जो जो यहाँ नहीं आए हैं वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। तो उनको भी बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि आपको मोक्ष में जाना है और मोक्ष की शर्त है पहले खुद बीमारी से बाहर आ जाओ, फिर दूसरों को ठीक करो, तभी मोक्ष मिलेगा। इसलिए अपने तक सीमित मत रखना इसको, दूसरों को भी बताना, ठीक है? ये एक नियम हो गया। अब दूसरा बताऊं, दूसरा नियम आयुर्वेद का है कि पानी कभी भी पीना पड़े तो घूट घूट भर के ही पीना, एक साथ घटावट घटावट पानी नहीं पीना। ये बहुत गलत तरीका है पानी पीना। लोटा मुंह में लगाया और जब तक खाली नहीं होता हम हटाते नहीं, ये तरीका नहीं लेना पानी पीने का। इस तरीके से पानी का सबसे ज्यादा तकलीफ आपके ही शरीर में आती है। आयुर्वेद ने कहा गया जो घटावट पानी पीते हैं घुटनों का दर्द उन्हीं को होगा, कमर का दर्द होगा, दांत के रोग होंगे। तो पानी घटावट नहीं पीना। कैसे पीना? ऐसे पीना जैसे गर्म दूध पीते। गर्म दूध कैसे पीते हैं? एक एक घूट भर के पीते हैं ना, ऐसे ही पानी पीना। एक घूट पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर दूसरा घूट पिया, फिर रुके, फिर तीसरा घूट, फिर चौथा घूट, घूट घूट भर के पानी पीना। आप बोलोगे क्यों? कारण बता दो। हमारा जो मुंह है ना, इसमें हमेशा लार बनती है, मालूम है? थूक थूक लार। एमबीबीएस वाले इसको स्लाइवा कहते हैं, सेलिवा स्लाइवा, हम लोग हिंदी वाले लार कहते हैं। ये जो लार है ना, ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है। आपको मालूम है इसकी कीमत कितनी है? जो आप पॉकेट में थूकते रहते हो। हाँ, मैं इसकी कीमत बताना चाहता हूँ। पहली बार जब मैं अमेरिका गया तब मुझे इसकी कीमत पता चली। अमेरिका में एक बहुत बड़ा संस्थान है, वो तो पता ही क्या करता है, लोगों को अपने आप बुलाता है और एक बड़ा सा पात्र रख के कहता थूको इसमें। तो वहां लोग थूकने को जाते हैं, मुझे पता चल गया, मैं भी गया और 5 मिलीमीटर थूको तो 10,000 रुपए देते हैं। 5 मिलीमीटर जो थूक होता है ना, ये 10,000 रुपए का है। उसको फिर वो छोटे छोटे पैकेट में बंद करते और फिर बेचते और वो खूब बिकता, थूक बिकता, लार बिकती। मैं पूछा उन लोगों से कौन खरीदता है इसको, तब उन्होंने कहा कि दुनिया में जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनको कैंसर होने में लार बनना बंद हो जाता है। आपने सुना है कैंसर के मरीज को कुछ भी खिलाओ तो सब कुछ उलट देता है। जब कैंसर चौथी अवस्था में पहुंचता है ना तो वो आदमी पानी भी नहीं पी पाता, दूध भी नहीं पी पाता, कुछ भी पिलाओ तो उलट देता, क्योंकि मुंह में लार बनना बंद हो जाता है। लार नहीं है ना तो कोई चीज अंदर नहीं जाती, सब बाहर निकल जाती। तो जिनके मुंह में लार बनना बंद हो जाती है उनके मुंह में ये नकली लार डाली जाती है और ये 10,000 रुपए की 5 मिलीग्राम आती है। इसको आप फोकट में थूकते हैं। तो आज से थूकना बंद कर। मैं माताओं बहनों भाइयों को सबको ये कहना चाहता हूँ, आदमी को छोड़कर कोई जानवर नहीं थूकता कभी। आदमी को छोड़कर कोई पक्षी नहीं थूकता कभी। ये आदमी है जो थू थू मचाए रहता है, कितना नुकसान कर रहा है अपना सोचो। 5 मिलीग्राम थूक 10,000 का, 10 मिलीग्राम 20,000 का, सोचो एक दिन में आधा किलो थूक दिया, लाखों रुपए का फालतू में फोकट में नुकसान कर दिया। इसको थूकना नहीं, फिर क्या करना? भगवान ने ये जो थूक बनाया ना लार, ये पेट में अंदर ले जाने के लिए बनाया। पानी को घुट घुट जब पियो तो ये बार बार लार पेट में जाती है। ये जो लार होती है इसको रसायन शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि ये क्षारीय होती है। अंग्रेज लोग इसको एल्केलाइन कहते हैं, एमबीबीएस वाले, ये क्षारीय है माने एल्केलाइन है। और आपने सुना पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है, कहते हैं ना तेजाब बन रही है, तेजाब बन रही है। तो अम्ल में ये क्षार मिले तो अम्ल को निष्प्रभावी कर देता है। विज्ञान का एक सिद्धांत है, एसिड और एल्केलाइन दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो मुंह की क्षार माने लार बार बार
में मिले तो पेट का अम्ल शांत रहता है। जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है उनका जीवन भर वात संतुलित रहता है, कफ संतुलित रहता है, और वात और कफ संतुलित रहे तो 108 बीमारियां कभी नहीं आती। इसलिए नियम बनाया गया पानी को घूट घूट पियो ताकि बार बार लार पानी में मिलके पेट के अंदर जाए और आपके अम्ल को शांत करे और आप जीवन भर निरोगी रहे। तो पानी घूट घूट पीना शुरू करो। अब आपको मैं एक जानकारी देता हूँ, ये कि आप देखो पशु पक्षी पानी को हमेशा घूट घूट पीते। पक्षी को देखो, चिड़िया को पानी पीने आती है, कबूतर को देखो, तोते को देखो, वो चोंच में एक बूंद पानी उठाते हैं और धीरे धीरे चोंच चलाते हैं, फिर पीते हैं, फिर दूसरी बूंद उठाते हैं, फिर पीते हैं, फिर तीसरी बूंद। कितना धीरज है उनमें, एक एक बूंद पानी पीते। जानवरों को देखो, कुत्ता कैसे पानी पीता, चाट चाट, शेर चीता लकड़ भग्गा सब चाट के पानी पीते। तो ये पशु पक्षी हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। मैंने आज तक किसी चिड़िया को ओवर वेट नहीं देखा, नहीं देखा, और किसी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को घुटने का दर्द नहीं है, कमर का दर्द नहीं है, क्योंकि पानी घूट घूट पीते हैं सब। आपके ध्यान कर लो इस बात, ये मनुष्य है जो सब बीमारियों से लदा फदा है क्योंकि ये पानी को घूट घूट नहीं पीता, घटाघट पीता, घटाघट पानी घटाघट पीना बंद। कैसे पियेंगे, घूट घूट, एक घूट पिया थोड़ी देर रुके, एक घूट पानी को मुंह में घुमाओ चारों तरफ, फिर पियो ताकि सब लार मिलके अंदर जाए। समझ गए, दो नियम हो गए। अब तीसरा नियम है कि सवेरे सवेरे जब सोकर उठे तो सबसे पहले पानी पिए। सवेरे उठते ही मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, पहले पानी पीना। क्यों, रात भर की मुंह की लार जो जमा है वो पानी पीते ही अंदर जाएगी, और सवेरे की लार सबसे ज्यादा कीमती है, फ्रेश है ना, सबसे ज्यादा कीमती, इसलिए उठते ही पानी पीना। कितना, विद्यार्थी लोग कम से कम 2 गिलास और बड़े लोग 3 गिलास। और पीने का तरीका घूट 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 घूट, ठीक है। दो फायदे होंगे, एक तो रात भर की लार अंदर गई, बहुत ताकत देती है वो, दूसरा उठते ही पानी पियो तो सारा पानी बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत की सफाई शुरू हो जाती है। 10-15 मिनट के बाद ही आपको प्रेशर बनेगा, आप संडास घर में घुटेंगे घुसेंगे 2-3 मिनट में बाहर आ जाएंगे। आयुर्वेद में ये कहा गया कि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा स्वस्थ है उसकी एक ही पहचान है कि उसको संडास घर में सबसे कम समय लगता है कि नहीं। आप टॉयलेट में घुसे 2-3 मिनट में बाहर आए तभी आप स्वस्थ हैं, लेकिन वहां आधे घंटे बैठ गए तो समझ लो बीमारों के बीमार हैं। समझ गए, तो उठते ही पानी पी लोगे पेट साफ हो जाएगा। तुरंत संडास घर में गए, पेट साफ हुआ, बाहर आए तो उठते ही पानी पीना। कितना, 2 गिलास विद्यार्थियों को, 3 गिलास बड़े लोगों को। 3 नियम हो गए। अब चौथा और आखिरी नियम, ठंडा पानी कभी नहीं पीना, कभी नहीं पीना, कितनी ही गर्मी पड़े ठंडा पानी कभी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना जी, ठंडा पानी होता क्या है, पहले तो ठंडा पानी समझो। आयुर्वेद में ये कहा गया कि जिस पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो वो पानी ठंडा है। अब 27 डिग्री से कम पानी कौन सा होता है, ये जो रेफ्रिजरेटर में पानी रखा होता है ना, ये 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और बर्फ मिलाया हुआ पानी है वो करीब करीब 2.5-3 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ये ठंडा पानी है, बर्फ में मिला के या रेफ्रिजरेटर में रखे, तो फ्रिज का पानी नहीं पीना, बर्फ का नहीं पीना। क्यों नहीं पीना, ठंडा पानी पियो तो तकलीफ क्या होगी, आपका पेट गर्म है कि ठंडा, गर्म, ठंडा किसका है, सबका पेट गर्म है, ठंडा नहीं है, तो सबका पेट है गर्म। अब गर्म पेट में हम ठंडा पानी डालें तो झगड़ा होगा, क्या झगड़ा होगा, या तो पेट पानी को गर्म करेगा नहीं तो पानी पेट को ठंडा कर देगा, यही तो होगा। गर्म पेट में ठंडा पानी डाला, या तो पेट
पानी को गर्म करे या पानी पेट को ठंडा करे। मान लो पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, थोड़ी देर के लिए सोचो, पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, क्योंकि हृदय और पेट जुड़े हुए हैं। हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, और मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी का ठंडापन आता है, फिर राम नाम सत्य हो जाते हैं। और आप सब माताएं बहने जानती हैं ना, आदमी जब ठंडा होता है तो घर के बाहर फेंक देते हैं, निकाल के घर में नहीं रखते, रखते हैं क्या? जब तक आदमी का शरीर गर्म है तब तक उससे लिपट लिपट के रोते हैं, ठंडा होते ही दूर से प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। और इतना दूर से प्रणाम करते हैं कि फिर हैरानी होने लगती है कि ये सगे लोग हैं, समझ लो ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। और जैसे ही घर के बाहर आया शरीर ठंडा, तो मोहल्ले पड़ोस वाले एक ही बात बोलते हैं, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भले आदमी 40 साल जिसने इतना बढ़िया मकान बनाने में लगा लिया, ठंडा होते ही कहने लगे जल्दी करो, जल्दी करो, भगाओ निकालो इस मकान से, यहाँ जगह नहीं इसकी, समझ लो ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। तो ठंडा पानी पी के क्यों ठंडा करना शरीर को, तो इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना। अब गंभीर बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं पेट पानी को गर्म करता है, और जब पेट पानी को गर्म करेगा तो पेट में पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वो ऊर्जा रक्त में से आती है, तो सारे शरीर का रक्त पानी को गर्म करने के लिए पेट में उतर आता है। अब शरीर के हर अंग में रक्त की कमी आ जाती है, और वो रक्त की कमी अगर 3 मिनट तक रह गई तो शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, और उस स्थिति में आदमी का शरीर बेकार हो जाता है। इसलिए कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना, समझ में आया? फिर आप पूछोगे घड़े का पानी पीना है क्या? मिट्टी के घड़े का पानी गर्मियों में पीना, क्योंकि मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है गर्मियों में। जब मई जून की गर्मी आएगी तब मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी तब भी नहीं पीना, बर्फ का पानी कभी नहीं पीना। अब मैं एक मजे की बात बताता हूँ, जब मैं पहली बार विदेश प्रवास में गया तो मैंने देखा वहां के लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, यूरोप और अमेरिका, इतना ठंडा पानी पीते हैं कि पानी को फ्रिज में रखते हैं, 6-7 दिन ठंडा होता है, फिर पानी को निकालते हैं, फिर ऊपर से बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं, इतना ठंडा पानी। परिणाम जानते हैं क्या है? जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो मैंने कहा ना शरीर का सारा रक्त पानी को गर्म करने के लिए पेट में आता है, तो शरीर में एक अंग होता है जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना ऐसे होती है पाइप की तरह से, और इसी में से मल निकलता है। जब बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं तो इसका जो खून है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, ये पेट में चला जाता है, तो ये सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है। तो ज्यादा ठंडा पानी पीने वालों की बड़ी आंख बंद हो जाती है, और बड़ी आंख बंद हो जाएगी तो मल नहीं निकलेगा, मल नहीं निकलेगा तो घंटों घंटों उनको बैठना पड़ेगा संडास कर। तो मैंने देखा यूरोप और अमेरिका के लोग जब जाते हैं ना टॉयलेट में तो 2-2 घंटे बाहर नहीं आते, अंदर ही बैठे रहते। और मैं पूछता हूँ भाइयों करते क्या हो अंदर 2 घंटे, तो कहते हैं कि पेट साफ नहीं होता। तो मैं पूछता हूँ क्या करते हो, तो कहते पूरी ताकत लगाते, फिर भी पेट साफ नहीं होता। फिर मैं पूछता हूँ और क्या करते हो, कहते गाना गाते। कौन सा गाना गाते? मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और जब ज्यादा तकलीफ होती है ना तो दूसरा गाना गाते, एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा, वो आती नहीं। समस्या पता है क्या है? उनको कब्जियत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, और कब्जियत का कारण क्या, बड़ी आंख सिकुड़ गई, बंद हो गई, अब मल निकलेगा नहीं इसमें से। ये समस्या कहाँ से शुरू हुई? ठंडा पानी पीने से। तो आप लोग पियोगे ठंडा पानी? गाना गाना पड़ेगा फिर। तो विद्यार्थियों को समझ में आया
पानी पीना, दूसरा नियम पानी जब भी पीना घुट घुट पीना, तीसरा नियम सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना, चौथा नियम ठंडा पानी कभी नहीं पीना। याद हो गया? पक्का? चलो अब आज से इसका पालन शुरू। माताएं भी करेंगी इसका पालन, और माताओं को निवेदन है कि घर के बच्चों को ये नियम संस्कार में डालें। अब आज से माताएं क्या करेंगी, खाना परोसने के समय पानी नहीं रखेंगी। पानी रख देते हैं ना, ये बंद कर दो। जिनको पीना है खाने के पहले पिला दो। कितनी देर पहले? 48 मिनट। खाने के पहले 48 मिनट जब हो तो खूब पेट भर के पानी पी लो, एक लोटा दो लोटा। पीने का तरीका ध्यान रखना, घूट घूट घूट। फिर खाने के समय पानी नहीं पिएंगे, खाना खा के 1.5 घंटा हो जाए फिर पानी पिएंगे, ठीक है? बस ये चार नियम जो पालन करे जिंदगी में बीमार ना पड़े। मैं एक पांचवा नियम भी बता दूं, स्वामी जी उसका पालन करते हैं इसलिए बता रहा हूं। ये तो चारों नियम का भी पालन करते हैं वो, ये पांचवा और करते हैं। जब खाना खाओ तो खाने को इतना चबाना जितने आपके दांत हैं। 32 दांत हैं तो 32 बार चबाना। रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखो और गिन गिन के 32 बार चबाओ, खूब चबा चबा के खाओ। इतना चबाओ कि वो खाना पानी हो जाए और शरीर में उतर जाए। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो खाने को चबा के खाते हैं उनको जिंदगी में रोग आने की दूर दूर तक संभावना नहीं। खूब चबा चबा के खाओ, 32 बार चबाओ, ठीक है? पांचवा नियम आ गया। अब छठा नियम और बता दो, कभी भी खड़े होके खाना मत खाओ, खड़े खड़े। ये आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना कभी भी मनुष्य को खड़े होके नहीं खाना, जानवरों को खड़े होके खाना, मनुष्य को नहीं, जमीन पे बैठ के खाना। मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, इसको हम क्या कहते हैं, सुखासन। जब हम सुखासन में बैठते हैं तो खाना खाना सबसे अच्छा। कारण समझ लो, जब हम सुखासन में बैठते हैं धरती पर तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे शरीर पर काम करता है और वो नाभि पर केंद्रित होता है। नाभि के पड़ोस में जठर है तो जठर उससे चार्ज रहता है, तो जठर में अग्नि बहुत होती है। जब आप आलती पालती लगा के खाना खाते हैं और अग्नि ज्यादा है तो खाना जल्दी पचेगा। इसलिए कहा गया भोजन जमीन पे बैठ के खाना, खड़े खड़े नहीं खाना। ये खड़े खड़े वो खाते हैं जो पशु है। अब ये शहर के सब पढ़े लिखे लोग पशु है, खड़े खड़े खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। मूर्खों के मूर्ख हैं सब, पढ़े लिखे मूर्ख हैं। आप नहीं करना ये मूर्खता का। ये खड़े खड़े खाने का नुकसान पता है क्या है? जब हम खड़े हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है नाभि, वो शिफ्ट होकर डायफ्राम पे आ जाता है, तो डायफ्राम चार्ज हो जाता है। डायफ्राम चार्ज होता है तो खाना नीचे ही नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा, तो काम नहीं आएगा खाना। इसलिए खड़े होके नहीं खाना, ये बुफे सिस्टम में खाना नहीं खाना। ये बुफे सिस्टम नहीं, बफेलो सिस्टम है। बफेलो माने भैंस, भैंस खाती है खड़े होके, क्योंकि उसके चार पैर हैं, मनुष्यों को नहीं खाना, ठीक है? अब माताओं को एक छोटी सी बात कहनी है कि हमारे घर में अक्सर माताएं गर्भावस्था में जब आती है ना, तो आजकल एक बीमारी हो गई है कि डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, बच्चा वहां पे होगा, फिर डॉक्टर उसको कहता है सीजेरियन करो, पेट काट के बच्चा निकालो। जिस माँ को एक बार ऑपरेशन हुआ उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। पता है क्या होता है, मैं अब आपसे डॉक्टर की बात कहना चाहता हूँ। जिस माँ को बच्चे के जन्म के लिए पेट कटा, उस माँ को जिंदगी भर वजन बढ़ता रहता है, अब वो मोटी 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 होती जाती है। अब वो माँ सोचती है कि मैं तो कुछ खाती नहीं, फिर भी वजन क्यों बढ़ रहा? वो वजन बढ़ा सीजेरियन ऑपरेशन के कारण, और उस वजन को कोई कम नहीं कर पाता। फिर उस वजन के कारण घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, फिर सब बीमारियां आती है। तो इसलिए माताओं को निवेदन है कि बच्चों के जन्म के लिए कभी भी ऑपरेशन ना करें। फिर आप बोलेंगी क्या करें, मेरी दो तीन बातें ध्यान से सुन लेना।
और ये सब बहनें भी सुन लें इस बात को, कभी भी किसी माँ को गर्भावस्था हो तो उसको ऑपरेशन ना कराना पड़े, इसके लिए छोटे छोटे दो तीन उपाय। पहला उपाय ये है कि हर दिन रात को माँ को गाय का दूध पिलाना, घी डाल के, घी देसी और गाय का दूध देसी गाय का, तो गाय के दूध में एक चम्मच घी मिलाओ, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलाओ और रोज रात को पिलाना जब माँ को गर्भावस्था हो। दूसरा, जिस माँ को गर्भावस्था होती है ना उसको बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त पैदा होना चाहिए, बीमार ना हो। बच्चे के स्वस्थ पैदा होने का सबसे बड़ा आधार है कैल्शियम। कैल्शियम नाम का एक रसायन होता है जो गर्भावस्था में माँ को सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बच्चे के लिए और माँ के लिए। कैल्शियम अगर शरीर में ज्यादा है ना तो हड्डियां लचीली रहती है, और हड्डियां लचीली रहे ना तो सारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, और शरीर लचीला हो तो गर्भ से बच्चा आसानी से बाहर आता, उसको तकलीफ नहीं होती ज्यादा, माँ को भी तकलीफ नहीं होती। इसलिए शरीर में लचीलापन लाने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम खिलाओ माँ को। कैल्शियम का मतलब होता है चूना खिलाओ, चूना समझते पान में जो लगाते और जो पुताई करते, पुताई वाले चूने को पानी में डाल दो, 20-25 दिन पड़ा रहने दो, ठंडा हो जाएगा, फिर पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा, उसमें से एक छोटा सा चुटकी भर चूना जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर किसी भी गर्भवती माँ को खिलाना है, पानी में मिला के दे दो, या तो दाल में मिला के दे दो, या छाछ में मिला के दे दो, या दही में मिला के दे दो, किसी में भी मिला के खिला, थोड़ा सा चूना रोज खिला, 9 महीने लगातार खिलाना। जो माने थोड़ा थोड़ा चूना रोज खा लिया 9 महीने, उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस माने रात को दूध पिया घी डाल के, उसको कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे बच्चे जो ऑपरेशन से होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, शरीर से कमजोर होते हैं। मैं तो देश भर में देखता हूँ सीजेरियन जितने बच्चे हैं, माता पिता को तकलीफ करते हैं, खुद को तो जिंदगी भर तकलीफ देने वाले। इसलिए कोई भी बच्चा भगवान की कृपा से स्वस्थ और तंदुरुस्त दुरुस्त पैदा हो, इसके लिए सब व्यवस्थाएं भगवान ने शरीर में कर रखी है, बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। तो माता इसको याद रखें, सभी भी गर्भवती माओं को बहनों को रात को दूध पिलाना घी डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के, और सवेरे चूना खिलाना दूध सॉरी दही में, नहीं तो छाछ में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में मिला। ठीक है, और एक निवेदन माताओं से अगर हो जाए तो, कि जो गर्भवती माताएं हैं वो भी और स्वस्थ माताएं वो भी, और भाई भी कर सकते हैं इस काम को, 15 मिनट रोज चक्की चलाना, क्या कहते हैं उसको, घट्टी। ये जो घट्टी होती है ना, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस घट्टी को चला के मैंने देखा, इस घट्टी को चलाने में सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है पेट पर, और माँ के पेट में गर्भाशय होता है, तो बार बार जब हम घट्टी चलाते हैं तो गर्भाशय जो है ना, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घूमता है, और 15 मिनट रोज आपने ये घुमा दिया तो बच्चा तो एकदम स्वस्थ दुरुस्त और तंदुरुस्त ही होगा, और बिना माँ को तकलीफ के होने वाला है, क्योंकि गर्भाशय में फ्लेक्सिबिलिटी अगर है किसी भी माँ के तो बच्चा तो आराम से बाहर आएगा। तो 15-20 मिनट माताएं घट्टी चलाएं, अगर गर्भावस्था में है तो, स्वस्थ है तो भी चला सकते हैं, और भाई लोग घट्टी इसलिए चलाएं कि पेट अंदर हो जाएगा सवाल। ये आजकल सबकी टोन बाहर निकल आई है, माताओं का पेट बाहर आए तो समझ में आता है वो गर्भावस्था में है, ये पुरुष किस चक्कर में पेट बाहर है, इनकी टोन बाहर क्यों आनी चाहिए, तो ये अंदर जाना चाहिए पेट। और अंदर ले जाने का सबसे सरल उपाय है घट्टी चलाना, 15 मिनट चलाओ लेकिन रोज चलाओ, सब पेट अंदर चलाओ। और सबसे गंभीर बात माताओं से मुझे जो कहनी है वो ये कि ये घट्टी खाली मत चलाना, हाँ इसमें कुछ गेहूं डाल
लेना, कुछ चना डाल लेना, पिस तो जाएगा, कम से कम आटा तो आ ही जाएगा 15 मिनट में। खाली चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, गेहूं डाल के चलाओ तो आटा आ गया, चना डाल के चलाओ तो बेसन आ गया। ये जो ताजा आटा होता है ना, ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। विज्ञान की जानकारी आज के समय की जो ये कहती है वो ये कि आटा जितना ताजा है रोटी उतनी ज्यादा दुरुस्त और तंदुरुस्त है, आटा जितना पुराना है रोटी उतनी खराब। अब ये शहरों में पिसा पिसाया आटा मिलता है, 3-3 महीने पुराना, इसको खा के सबके पेट खराब हुए। पहले तो माताएं रोज सवेरे 4 बजे उठती थी, घट्टी चलाती थी, आधा 1 किलो आटा पीस लेती थी, सुबह काम आता था, शाम को चला, शाम को काम आता था, किसी के पेट इतने खराब नहीं थे। जब से ये आटा आ गया पैकेट वाला, पेट खराब कभी से हो। तो अगर आप घट्टी चलाओ तो 15 मिनट में मैंने देखा आधा किलो गेहूं आराम से पिस जाता है, आधा किलो चना पिस जाता है। उतना आटा एक समय के लिए काफी है, दूसरे समय चला लो उसके लिए काफी है। तो ताजा आटा जितना आप खाओगे शरीर उतना ही दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाले। आटे के बारे में आयुर्वेद में कहा गया कि पिसने के 48 मिनट के अंदर उसकी रोटी बन जानी चाहिए, रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर उसको खा लेना चाहिए। अगर इतना कर पाए तो बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है गांव में तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि घट्टी गांव में जिंदा है। ये शहर वालों को मरने दो कटने दो, क्यों आप उनकी चिंता करते हैं? वो तो मूर्खों के मूर्ख हैं, उनको कितना भी समझाओ वो मानने वाले नहीं है। वो घट्टी नहीं चलाएंगे, वो जिम में जाएंगे, 2-2 घंटे मूर्खों की तरह से उस पे चलेंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन 15 मिनट घट्टी चलाने में शर्म आती है उनको, तो उनकी जाने दो। वो तो दिमाग खराब हो गया अंग्रेजी पढ़ पढ़ के सबका। आपका दिमाग कभी भी दुरुस्त है तो दुरुस्त है, क्योंकि अंग्रेजी आपने नहीं पढ़ी। समझ नहीं माता है? अब एक दो बात और माताओं से कहनी है, वो ये कि आप जो तेल खाती है ना, तेल के बारे में आयुर्वेद ये कहता है कि वात के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए तेल, पित्त के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए देशी घी, और कफ के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए शहद, ये 3 चीजों का सेवन अति आवश्यक है। फिर से सुनिए, वात के रोगों को ठीक रखने के लिए तेल, पित्त के रोगों को ठीक रखने के लिए देशी घी, और कफ के रोगों को ठीक रखने के लिए शहद। अब शहद ना मिले तो उसकी जगह गुड़ लिख लो, गुड़। तो कफ ठीक रहे तो इसके लिए गुड़ खाओ, पित्त ठीक रहे इसके लिए देशी घी खाओ, और बात ठीक रहे इसके लिए तेल खाओ। अब तेल कौन सा खाना ये मुझे बता। हमारे घर में तेल निकालने के लिए अगर मशीन है, घर में नहीं गाँव, घर में तो शायद तेल की मशीन कोई नहीं लगाता, गाँव में तो होती है, क्या कहते कोलू गाड़ी, गाड़ी यस। तो गाँव में जो गाड़ी चलती है उस पर निकाला हुआ तेल सबसे अच्छा। ये बाजार से डिब्बे वाला तेल लाते हैं ना, ये जहर। बाजार में जो तेल मिलता है जिसको अंग्रेजी में डबल रिफाइंड तेल कहते हैं, ट्रिपल रिफाइंड तेल कहते हैं, तेल को रिफाइन करने में जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो केमिकल जहर। इसलिए ये डब्बे वाला तेल आप मत खाएं। आप तो घाणी में तेल निकलवाना, सरसों का हो, तिल का हो, नारियल का हो, ताजा तेल निकलवा के खाना। फिर लोग कहते हैं कि वो तेल गाढ़ा होता है, तेल तो गाढ़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि तेल जितना गाढ़ा होगा उतना उसका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा, और तेल खाया जाता है प्रोटीन के लिए। और अगर उसका गाढ़ापन निकाल दे तो प्रोटीन निकल गया, फिर तो वो पानी हो गया, तेल कहाँ रहा। और रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल में यही किया जाता है, गाढ़ापन खत्म कर देते हैं, पानी जैसा तेल हो जाता है। ये तेल सबसे ज्यादा खतरनाक है। आजकल सबसे ज्यादा हृदय घात हो रहे हैं, हार्ट अटैक, ये बाजार वाले तेल खाने से हो रहे हैं। इसलिए आप बाजार का तेल मत लाना, घाणी का तेल निकलवा के उसका उपयोग कर, वो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, या कोई दूसरा तेल आप खाते हो, मूंगफली का तेल हो, या कोई भी तेल हो, लेकिन घाणी में निकलवाया हुआ तेल खाना। और दूसरा माताओं को निवेदन है, डालडा कभी मत लाना। दुनिया में महासत्यानाशी कोई एक चीज है तो ये डालडा है।
किसने सबसे ज्यादा बर्बादी लाई है भारत के गांव का? थोड़ा सस्ता है लेकिन जहर पे जहर है। डालडा का मैंने परीक्षण कराया था, 23 जहर है उसमें, अकेले डालडा। ये कभी मत ला। तो आप बोलोगे घर में कोई पूड़ी पूड़ी बनानी है, तेल में भले बना लेना, डालडा में कभी मत। सरसों के तेल में पूड़ी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। और मेरी माता ने बात मान ले, तिल के तेल की पूड़ी तो इतनी स्वाद होती है जो किसी में नहीं बनती। एक तो नरम बहुत रहती है और एकदम फूल के आती है तिल के तेल की पूड़ी, और सबसे ज्यादा शरीर के लिए दुरुस्त है तिल का तेल। तेल का माने ही तिल है, तिल में से ही तेल शब्द बना। तो आप तेल में पूड़ी बना लेना, तेल में कचौड़ी बना लेना, ये कि डालडा में कभी मत बना। और घर में कोई शादी ब्याह बरात हो तो उसमें भी डालडा मत ला, क्योंकि जो अपने लिए जहर है वो सबके लिए जहर है। तेल में ही बनाना, घर में भी। अगर जैसे शादी ब्याह बरात है, तिल के तेल में पूड़ी कचौड़ी बना के खिलाओ, बहुत बढ़िया, लोग वाह वाह करेंगे आपकी, इतनी स्वाद बनती है और वो स्वाद खाने में आता है। तो डालडा बंद कर देना, तिल का तेल, सरसों का तेल। और तीसरा मैंने कहा कि कभी भी घी खाना देसी, डालडा वाला घी कभी खाना नहीं। अब देसी घी गाय का मिले तो सबसे अच्छा, नहीं तो भैंस का भी चलेगा, लेकिन देसी घी। और तीसरा और आखिरी नियम बताया, गुड़ खाना, गुड़। शहद मिले तो सबसे अच्छा, शहद खाने का तरीका है दूध में डाल दो, गुनगुने दूध में या ठंडे दूध में शहद मिला के खा सकते हैं, नहीं तो पानी में मिला के पी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही चाट के खा सकते हैं। और शहद महंगा पड़े तो गुड़ खाना, चीनी बंद कर देना माता है। ये चीनी जो है ना, मरे हुए जानवरों के हड्डियों से साफ की जाती है। आप अगर शाकाहारी हैं और चीनी खा रहे हैं तो रोज आपके मुंह में मांस जा रहा है, क्योंकि जानवरों को काटने के लिए कतल खाने चलते हैं सारे देश में। उन कतल खानों में जानवरों को काटते हैं, 10 करोड़ जानवर कटते हैं इस देश में हर साल। उनका मांस निकलता है, बाजार में बिक जाता है, हड्डियां निकलती हैं, हड्डियों को ये चीनी मिले खरीद के, और हड्डियों का पाउडर बना के चीनी को साफ करते हैं, फिर वो चीनी आपके पास आती है। इसलिए चीनी बिल्कुल मत खाइए, गुड़ खाइए उसकी। और गुड़ ज्यादा अच्छा वो होता है जो काला काला हो और थोड़ा लाल रंग का हो, सफेद गुड़ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो निर्मा पाउडर से धोया जाता है। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें जो मैंने कही आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए, इनका आप उपयोग करिए। एक तो बात किसान भाइयों से कहनी है, अगर कोई यहाँ खेती करने वाले किसान है तो, कि आप खेत में कभी भी यूरिया डीएपी नहीं डालना, क्योंकि ये यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट ये बहुत खराब जहर है। इस जहर के नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। सबसे बड़ा नुकसान यह है मिट्टी खराब होती जाती है। आपने एक साल एक बीघा खेत में 1 कट्टा यूरिया डाला, अगले साल 2 कट्टे डालने पड़ेंगे, फिर अगले साल 3 कट्टे डालने पड़ेंगे, फिर 4, फिर 5, वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। और कट्टे पे कट्टा डालें तो एक दिन मिट्टी पूरी बंजर हो जाती है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, पंजाब में लाखों एकड़ जमीन खराब हो गई है यूरिया डीएपी। दूसरी खराबी क्या है कि ये जो यूरिया डीएपी आप खेत में डाल देते हो, ये यूरिया डीएपी सब मिट्टी में घुलता है 99%, और मिट्टी में घुल गया तो जो पौधे की जड़ है उसमें आ जाता है, और पौधे की जड़ आया तो तने में आता, तने से फल में आ जाता, फिर फल को आप खाओगे आपके शरीर में आ जाता वो यूरिया डीएपी, और उसी के कारण अब कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। और तीसरा नुकसान ये है कि यूरिया डीएपी बहुत महंगा है। पहले 70 रुपए का 1 कट्टा आता था, अब 270 रुपए का कट्टा हो गया। और यूरिया डीएपी का चौथा बड़ा नुकसान है कि मिट्टी को पानी ज्यादा लगता है अगर यूरिया डीएपी डाला, कम पानी में फसल नहीं होती, और आपके यहाँ पानी की बहुत कमी है। आप यूरिया डीएपी डालोगे पानी बहुत खर्च होगा। और पांचवा सबसे बड़ा नुकसान है कि यूरिया डीएपी डाला हुआ जो भी अनाज आप पैदा कर रहे हो वो सबसे सस्ता बिकता है पूरी दुनिया, उसका भाव नहीं है अच्छा। तो आप यूरिया डीएपी मत डालो। फिर आप बोलोगे क्या डालें, गाय का गोबर डालो, बैल का गोबर डालो, भैंस का गोबर डालो, जानवरों का गोबर डालो। और गोबर डालने का एक तरीका मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं मेरे खेत में वो डालता हूँ 15 साल से।
गाय बैल भैंस का 15 किलो गोबर ले लो और गाय बैल भैंस का 15 लीटर मूत्र ले लो, गोबर और मूत्र को एक ड्रम में मिला लो, मिलाने के बाद इसमें 1/2 किलो गुड़ डाल दो, 1/2 किलो दाल का आटा मिला दो को, और 1/2 किलो खेत में किसी पेड़ के नीचे से मिट्टी ला के इसमें डाल दो, पेड़ के नीचे की मिट्टी जो पेड़ 20-25 साल पुराना है, तो गोबर गोमूत्र गुड़ दाल का आटा और पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये 5 चीजों को घोल के 15 दिन रख दो, 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगी और उस खाद में 200 लीटर तक पानी मिलाओ और खेत में स्प्रे कर दो, छिड़क दो और हर 21 दिन पे छिड़कते जाओ, जबरदस्त फसल आएगी आपकी बिना यूरिया डाले बिना डीएपी डाले। मैं 15 साल से ये कर रहा हूं, फसल इतनी अच्छी आती है, पहले मैं यूरिया डीएपी डालता था 15 साल पहले तो 1 एकड़ खेत में 12 क्विंटल गेहूं होता था, अब मैंने ये गोबर गोमूत्र डालना शुरू किया तो 1 एकड़ खेत में 22 क्विंटल गेहूं होता है। पहले यूरिया डीएपी डालता था 1 एकड़ में 30-40 टन गन्ना होता था, अब ये गोबर गोमूत्र डालता हूँ 1 एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है। पहले मैं कपास करता था यूरिया डीएपी से तो 2-2.5 क्विंटल कपास आती थी, अब 7 क्विंटल तक कपास आती है गोबर गोमूत्र से, और सब्जियां तो इतनी भरपूर पैदा होती हैं कि आप तोड़ते जाओ और बेचते जाओ, भरपूर सब्जियां पैदा होती हैं गोबर गोमूत्र। कारण क्या है, गाय के बैल के भैंस के गोबर में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है और इसके अलावा 15 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो यूरिया डीएपी में नहीं, इसलिए गाय बैल भैंस का गोबर यूरिया डीएपी से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है और ये सस्ता बहुत है। अगर जानवर घर के हैं तो खर्चा कुछ नहीं होने वाला आपका। अब आप ये पूछोगे कि गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकट्ठा करें, तो जानवरों का मूत्र इकट्ठा करने का तरीका है कि जहाँ जानवरों को आप बांधते हो वो जमीन को थोड़ा पक्का कर दो, ईंट लगा दो, पत्थर बिछा दो, उसमें एक नाली बना दो, एक खड्डा बना दो, जो भी मूत्र आएगा वो खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा, उसमें से भर के ले लो। बैलों का गायों का और भैंसों का जो मूत्र होता है इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, हाँ कभी खराब नहीं होता, साल 2 साल 5 साल 10 साल कभी भी इस्तेमाल कर सकते, तो खड्डे में भर के ले सकते। दूसरा तरीका है कि आपके यहाँ ये रेत है, इस रेतीली जमीन में जानवरों को बांध दिया आपने तो मूत्र गिरा वो रेत में इकट्ठा हुआ, उस रेत को गोबर के साथ मिला दो तो वो खेत में चला जाएगा, दूसरा तरीका ये। तीसरा एक तरीका है कि जानवर जब मूत्र करते हैं तो डब्बा भर के इकट्ठा कर, तो आप बोलोगे कितना उनके पीछे पीछे घूमे, तो पीछे अगर नहीं घूम सकते तो ये रेत जानवरों के नीचे डाल के रखो, सब मूत्र रेत में इकट्ठा हो जाएगा, रेत मूत्र को अवशोषित कर लेता है, फिर उस रेत को गोबर के साथ मिला के खाद में डाल, समझ गए। तो गोबर गोमूत्र की खेती करो यूरिया डीएपी पर। तो एक मैंने आपको हिसाब बताया कि भारत के लोग बीमार ना पड़े तो 7 लाख करोड़ बचता, भारत के किसान अगर यूरिया डीएपी ना डालें तो 5 लाख करोड़ उसका अलग बचता, 12 लाख करोड़ साल की बचत हम कर सकते। और ये गोबर गोमूत्र से जो गेहूं पैदा होगा, धान पैदा होगा या बाजरा या मक्का, इसका बाजार में मूल्य 2 गुना है 3 गुना। मेरे गांव में कुछ किसान हैं जो गोबर गोमूत्र से गेहूं करते हैं, उनका गेहूं 26 से 28 रुपए किलो बिकता है और जो यूरिया डीएपी से गेहूं करते हैं वो 10 रुपए किलो से ज्यादा कभी नहीं बिकता, मेरे 2.5 गुना ज्यादा मूल्य मिलता है बाजरे का मक्के का। तो कीमत अच्छी मिलेगी, उत्पादन बढ़िया होगा, खर्चा आपका कम होगा, पानी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, ऐसी अच्छी खेती होती है गोबर गोमूत्र से। तो किसान भाई बहन सब गोबर गोमूत्र से खेती करें, ये मेरा निवेदन है। और एक आखिरी निवेदन ये है कि हमारे भारत स्वाभिमान की तरफ से सारे देश में एक अभियान चल रहा है कि जब भी जरूरत हो तो स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं को ना खरीदें। बाजार में हजारों विदेशी वस्तुएं बिक रही हैं, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिलाका, फ्लोरेंस, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, ऐसी 2000 से ज्यादा विदेशी वस्तुएं बाजार में हैं। इनको खरीदना आप बंद करो, इनकी जगह हमेशा स्वदेशी वस्तुएं खरीदो, देशी वस्तुएं खरीदो।
तो भारत के लोग अगर विदेशी वस्तुओं को बंद करके देशी वस्तुएं खरीदने लगे तो साल का 2,32,000 करोड़ और बचता। अब देखो स्वस्थ हो जाए बीमार ना पड़े तो 7,00,000 करोड़ बचा, यूरिया डीएपी बंद करके गोबर गौमूत्र डालें तो 5,00,000 करोड़ बचा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें तो 2,32,000 करोड़ और बचा। तो साल में करीब करीब 12-15 लाख करोड़ के बीच की बचत देश की होती है और ये इतना धन है कि इसको हर साल इकट्ठा करते रहे तो 5 साल में ही गरीबी मिट जाएगी देश। गरीबी मिटाने के लिए 50,00,000 करोड़ चाहिए और हर साल हम 15,00,000 करोड़ बचा सकते हैं, 3-4 साल में ही गरीबी मिट जाती है। तो गरीबी मिटाने के लिए कोई विदेशों में भीख मांगने की जरूरत नहीं है, देश में व्यवस्थाओं को बदल के ही गरीबी मिटाई जा सकती है। तो भारत की गरीबी मिटे, भारत की बेरोजगारी मिटे, भारत की भुखमरी मिटे, भारत समृद्धशाली बने, भारत संपन्न बने, सुसंस्कृत बने, समृद्धशाली बने, इसी का अभियान है भारत स्वाभिमान अभियान। और इस अभियान में एक और बात हम कर रहे हैं वो ये कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे देश में इस भ्रष्टाचार को भी रोकना है और भ्रष्टाचार में जो लोग लगे हुए हैं इन सबको फांसी के फंदे पर चढ़ाना है। पूरे देश में हम एक अभियान चला रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं उनको एक ही सजा होनी चाहिए, मृत्यु दंड उनके लिए फांसी का फंदा ही होना चाहिए। आज हमारे देश में कानून ऐसे हैं कि भ्रष्टाचारियों को कोई सजा नहीं मिलती। आप जानते हैं मुकदमे चलते ही रहते और भ्रष्टाचारी छुपता सांड की तरह से देश को चलते ही रहते। ये व्यवस्था बंद कराना, जिसने भी भ्रष्टाचार किया, रिश्वत ली, घूस ली और सिद्ध हो गया तो 3 महीने में उसको फांसी हो जानी चाहिए, ऐसा नया कानून हम बनवाना चाहते हैं। क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने देश का बड़ा खून पिया है। आपको मालूम है कि नहीं, हर साल इस देश में 20,00,000 करोड़ रुपए का बजट बनता है और उसमें से 18,00,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी लूट के खा जाते हैं। सरकार के आंकड़े हैं, 2,00,000 करोड़ ही देश के काम में लगता है और ये लूट के जो रुपया खाया जाता है हर साल इसको ले जाके विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं। विदेशी बैंकों में भ्रष्टाचारियों ने अब तक 110,00,000 करोड़ रुपए लूट के रख लिया है, स्विट्जरलैंड की बैंकों में, लीचेस्टन की बैंकों में, दूसरे देश की बैंकों में। तो भारत स्वाभिमान ने एक अभियान शुरू किया है कि भ्रष्टाचारियों ने जो धन लूटा है 110,00,000 करोड़ इसको भारत में वापस लाना है और इसको देश की राष्ट्रीय संपत्ति बनाना है और इसको देश के विकास के काम में लगाना है। आप बोलेंगे ये कैसे होने वाला है, इसको करने के लिए संसद में जाना पड़ेगा किसी एक आदमी को या किसी एक भाई को या बहन को जो सांसद की तरह से संसद में प्रस्ताव रखे और वो प्रस्ताव ये होगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जितना भी पैसा लूटा गया भ्रष्टाचार के माध्यम से वो पैसा राष्ट्र की संपत्ति है, ऐसा प्रस्ताव संसद में रखना। जब संसद में ये प्रस्ताव आएगा तो उस पर बहस होगी, बहस वाले दिन आप देखना कि कौन कौन विरोध कर रहा है उसका, जो विरोध करेगा पक्की बात है उसी ने लूटा है पैसा और उसी ने वो ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा, तो लुटेरे नेताओं की पोल खुल जाएगी देश में। और हमने उनके लिए एक योजना बनाई है कि जो जो लूटखोर नेता मिलेंगे सबका मुंह काला करके गधे पर बिठा के उनका सर्कस निकालेंगे। कभी कभी तो हमारे कार्यकर्ता इतने गुस्से में आते हैं वो कहते हैं राजीव भाई ये तो कुछ नहीं है, इससे भी आगे की सजा देंगे, ये लूटखोर भ्रष्टाचारियों को बिजली के तारों से उल्टा लटका दिया, फिर नीचे आग जला के उसमें मिर्ची का पाउडर ढोके, तब दूसरों को समझ में आएगा कि लूट क्यों नहीं करनी। कभी कभी मेरे दिल में आता है कि सब भ्रष्टाचारियों को पानी के जहाज पे भर के हिंद महासागर में डुबो देते हैं, इन्होंने बड़ा खून किया है देश को। तो ये भ्रष्टाचारियों से देश को मुक्त कराना, इनका पैसा वापस लाना, संसद में कानून बनाना, ये कानून बनाने के लिए एक सांसद चाहिए,
तो स्वामी जी ने कहा कि 4 साल में कोई तो मिलेगा माई का लाल जो संसद में ये प्रस्ताव रखेगा, मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो 2014 में हमारी तैयारी है कि पूरे देश के लोगों के सामने हम भीख मांगेंगे कि एक सांसद को जिताकर पहुंचाइए जो विदेशी धन को वापस लाने के लिए कानून बनवाए। और हो सकता है देश के लोग 545 सांसदों को पहुंचा दें इसी काम के लिए, और वो अगर पहुंच गए तो पूरे देश की व्यवस्था हम बदल देंगे, सब कानून बदल देंगे। अंग्रेजों के जमाने के चलाए हुए 34,735 कानून वो भी बदल देंगे, अब ये नए कानून भी बनवा देंगे, 110 लाख करोड़ विदेशों से देश में वापस आ जाए, इससे देश का विकास 3 बार हो सकता है, भारत देश को 3 बार बनाया जा सकता है, ये इतना है। एक एक गांव को बिजली दे सकते हैं, हर गांव में रोजगार हो सकता है, हर गांव में सड़क हो सकती है, हर गांव में हॉस्पिटल डॉक्टर चिकित्सा हो सकती है, हर गांव में स्कूल कॉलेज हो सकते हैं, सारे विकास के लिए 50 लाख करोड़ चाहिए और 110 लाख करोड़ विदेशों से आ जाए, तो ये काम भी करना है। ऐसे कुल मिलाकर 64 काम करने हैं, इन सभी कामों के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान बनाया है और इसको शुरू किया है। आप बोलेंगे हम क्या इसमें मदद कर सकते हैं, आप इस भारत स्वाभिमान के अभियान में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए 5 करोड़ कार्यकर्ता चाहिए पूरे देश में, अभी तक हमारे पास 2.5 लाख है, 5 करोड़ हमें बनाने, तो आप इसके कार्यकर्ता हो जाइए, इस भारत स्वाभिमान के सदस्य हो जाइए, इसमें शामिल हो जाइए। इसके लिए एक फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, यही आपको बटवा दिया जाएगा, वो फॉर्म में नाम पता फोन नंबर दे दीजिए भर के, और उसमें 51 रुपए का दान है जो आप हमारे ट्रस्ट को देंगे और आप हमारे मेंबर हो जाएंगे। 51 रुपए का दान देके कोई भी सामान्य सदस्य हो सकता है, और 1100 रुपए का दान करके विशेष सदस्य हो सकता है, तो आप 51 या 1100 आपकी क्षमता पर है, आप इसके सदस्य बन जाइए। हमारी संख्या हमें 5 करोड़ करनी है, 5 करोड़ जिस दिन संख्या हो जाएगी उसी दिन हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। कैसे, आप जानते हो भारत में कोई भी अच्छा काम कराना हो तो बहुमत चाहिए, अल्पमत में यहाँ कोई काम नहीं होता, हर काम को करने के लिए बहुमत चाहिए और बहुमत के लिए लोगों की ताकत चाहिए, तो आपके पास जो ताकत है वो आप भारत स्वाभिमान में शामिल करा दें अपनी ताकत, तो हमारा बहुमत हो। भारत की सब पार्टियों के पास 4 करोड़ सदस्य है, हमारे अकेले संगठन के पास जब 5 करोड़ हो जाएंगे तो सब पार्टियां एक तरफ, हमारा संगठन एक तरफ, हम जो चाहेंगे वही काम इस देश में होगा। उसके लिए आपको इस संगठन से जुड़ना है, जुड़कर इसकी ताकत बढ़ानी है और ताकत बढ़ा के इस काम को कराना है। इसी काम के लिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने ये भारत स्वाभिमान बनाया है, हम सब इसी सहयोग में उनके साथ लगे हुए हैं, आप भी हमारे सहयोगी हो जाएं, ऐसी विनम्र भावना से मैं आपके पास आया। आप योग सीखें, प्राणायाम सीखें, अपने को स्वस्थ बनाएं, दूसरों को स्वस्थ बनाएं, जीवन जीने के तरीके सीखें, खान पान के नियम का पालन करें, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें तो देश को भला होगा, और ये सब करते हुए भारत स्वाभिमान के सदस्य हो जाए तो हम कानून बदल के व्यवस्थाएं नहीं बनाना चाहते, उसी के लिए आप सबके सामने ये निवेदन है। आप इसे स्वीकार करेंगे तो ये काम जल्दी होगा, और दूसरे लोगों को इसमें शामिल कराएंगे तो और जल्दी होगा। यही भावना से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि चिंता के रूप में आपको मैंने 2 घंटे बिठाया, मुझे माफ करेंगे, और मुझे थोड़ा जल्दी आपके बीच से निकलना है क्योंकि रेलगाड़ी पकड़नी है, अजमेर से दिल्ली जाना है, कल सुबह मेरी फ्लाइट है, फिर इंदौर जाना है, ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा, लेकिन ये वायदा करके जाता हूँ कि दोबारा कभी भी आप याद करेंगे तो फिर जरूर आऊंगा, और इस तरह की बातें और लोगों को भी समझाऊंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, एक ही निवेदन के साथ कि आप भारत स्वाभिमान के साथ जुड़े, इसके सदस्य बने, दूसरों को सदस्य बनाए, योग सीखें, दूसरों को सिखाएं, प्राणायाम सीखें, दूसरों को कराएं, और अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाएं और दूसरों को भी मोक्षगामी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राजीव जी दीक्षित का संपूर्ण ग्राम तिलानेश वासियों व जोशी परिवार की ओर से सह हृदय से अभिनंदन करते हुए जोशी परिवार
के सदस्य पुष्प माला पहनाएंगे और जो भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता है वो पुष्प द्वारा सम्मान करेंगे और जो भारत स्वाभिमान के सदस्य बनना चाहते हैं वो फार्म लक्ष्मी नारायण जी जोशी के पास उपलब्ध है, जिनको जरूरत है वो आके ले लेंगे। सबसे बड़ा आभार तो हम क्षेत्र की ओर से करेंगे राजीव जी साहब का और जो प्रशिक्षक जो यहाँ पधारे हुए उनका, उसके साथ ही साथ हम क्षेत्रवासी हमारे जोशी परिवार का अभिवादन भी करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम रख लिया। ये जरूर सीख पा रहा कि कुछ प्रचार कम हुआ, जनता ने लाभ कम लिया, अगर प्रचार ज्यादा होता बहुत बड़ी जनता आज ये लाभ ले सकती थी। तो आज इस अवसर पर पधारे सभी महानुभावों का इस किराने क्षेत्र की जनता की ओर से मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जिसको फॉर्म भरने हो, फॉर्म यहाँ उपलब्ध है, वो लेकर के भर दे। ग्रामवासियों को जोशी परिवार की ओर से सहित धन्यवाद, क्योंकि आपने इतनी चिलचिलाती धूप में बैठकर श्रीमान राजीव जी दीक्षित का परीक्षण सुना और विद्यालय के हेडमास्टर जी भवन सिंह जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस योग शिविर व इस कार्यक्रम के लिए अपना विद्यालय प्रांगण उपलब्ध किया। भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता जल्दी से आके श्रीमान राजीव जी दीक्षित का सम्मान करेंगे पुष्पगुच्छ द्वारा और नेगाना ग्राम से जितने भी भाई बंधु पधारे उन सभी को तिलानी ग्रामवासियों के अवसर से